यदि आप भी वाहन लेकर सड़क पर निकलते हैं तो अब आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा, ये तो आप जानते हैं। लेकिन अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, उस खबर के बारे में यदि आपने नहीं जाना तो फिर रोड पर निकलते ही 10,000 का चूना भी आपको लग जाएगा। दरअसल सड़क पर वाहन चलाने के कुछ जरूरी नियम होते हैं। वहीं अच्छे नागरिक के नाते हमारी कई जिम्मेदारियां भी हैं, लेकिन लोग नियमों को तो मान लेते हैं, जिम्मेदारियों से मुंह छुपाते हैं। अब नए मोटर व्हीकल एक्ट में जिम्मेदारी नहीं पूरी करने वाले चालकों पर भारी चालान का प्रावधान किया गया है। ऐसे में आपके पास वाहन चलाते समय लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन के कागजात और बीमा क्यों ना हो, लेकिन फिर भी ट्रैफिक पुलिस आप पर 10,000 रुपए का भारी जुर्माना ठोक सकती है। आपको बता दें कि ये नियम एम्बुलेंस से जुड़ा हुआ है। नए मोटर व्हीकल एक्ट में एक नई धारा जोड़ी गई है। इसके तहत यदि आप बाइक या स्कूटर पर हैं और सड़क पर एम्बुलेंस जैसी इमरजेंसी व्हीकल को आप रास्ता नहीं देते हैं या फिर उसके निर्बाध आवागमन में अवरोध पैदा करते हैं तो अब ऐसा करना आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। नए मोटर व्हीकल एक्ट में एम्बुलेंस को जगह नहीं देने पर दोपहिया चालक को 10,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ जाएगा। बता दें कि पुराने मोटर व्हीकल एक्ट में इस प्रकार का कोई भी प्रावधान नहीं था। ऐसे में जरूरी है कि आप सड़क पर चलते समय एम्बुलेंस या किसी इमरजेंसी व्हीकल की आवाज जैसे ही सुने तुरंत उसे रास्ता देने के लिए किनारे हट जाएं। किसी भी दुर्घटना के वक्त पीड़ित के लिए सबसे अहम उसका वक्त होता है, लेकिन कई बार देखने को मिला है कि आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस को सड़क पर रास्ता नहीं मिलता है। कई बार एम्बुलेंस को अनचाहे जाम का सामना भी करना पड़ता है, तो वहीं कई दफे बाइक चालक एम्बुलेंस को पास नहीं देते हैं। कुछ लोग जानबूझकर एम्बुलेंस के आगे चलते हैं जिससे उन्हें रास्ता खाली मिल सके। ये नैतिक रूप से ठीक नहीं है। नए मोटर व्हीकल एक्ट में अब इसी पर जुर्माना लगा दिया गया है। नए एक्ट के अनुसार 4 साल से ज्यादा उम्र का बच्चा तीसरी सवारी के तौर पर गिना जाएगा। ऐसे में अगर आप अपने 2-व्हीलर पर सवार होकर अपने बच्चे और पत्नी को बैठाकर कहीं जा रहे हैं तो बच्चे की उम्र 4 साल से अधिक होनी चाहिए, तभी आप चालान से बच पाएंगे। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194A के अनुसार आपका इस नियम का उल्लंघन करने पर 1,000 रुपए का चालान कट सकता है। इसके साथ ही बच्चे को मिलाकर भी आप सिर्फ 2 लोग ही अपनी मोटरसाइकिल पर या स्कूटर पर सवार होकर कहीं जा सकते हैं तो भी आपका चालान कट सकता है। नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार अगर बच्चे की उम्र 4 साल से ज्यादा है और बच्चे को अपने हेलमेट नहीं पहना रखा है तो आपका 1,000 रुपए का चालान कटेगा। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करें और सड़कों पर न सिर्फ ऐसा करके आप दुर्घटनाओं से बच सकते हैं बल्कि एक अच्छा नागरिक होने का प्रमाण भी प्रस्तुत करते हैं। इसलिए नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार अब आप सड़क पर चलते हुए आवाज नहीं सुनते हैं, हॉर्न नहीं सुनते हैं, एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपसे 10,000 का चालान काट लिया जाएगा। इसके अलावा हमने आपको इस वीडियो में यह भी बताया, आपके बाइक के ऊपर 4 साल से अधिक उम्र का बच्चा सवार है और उस पर आपकी पत्नी भी है तो ये बच्चा तीसरे सवारी के तौर पर गिना जाएगा और उसके लिए आपको 1,000 रुपए का जुर्माना भी ठोका जा सकता है। तो इसलिए सड़क पर चलते हुए सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अच्छा नागरिक होने का प्रमाण प्रस्तुत करते रहें। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।